चेक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आज डेट हो गई 13 अप्रैल और मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैंने सिर्फ मुझे अब नाश्ता बनाना है, तो मैं जा रही हूँ अब किचन में। मैंने मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने फटाफट से पूजा भी कर ली थी। आजकल मैं सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा लगाने के बाद सीधे मैं पूजा ही करती हूँ। तो आज तक गर्म भी होने लग गया तो नहा भी लो, तो फटाफट से मुझे पूजा करनी होती है, मैं मॉर्निंग में नहा लेती हूँ। सो मैं बनाने वाली हूँ अब खाना। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, फिर से सब्जी निकाल के लेके आ गई। थोड़ी बहुत सब्जियाँ सब बची हुई थी तो मैंने कहा मिक्स वेज ही बना देती हूँ। मैं थोड़ी सी गोभी बची थी है क्योंकि कल हम लोगों को घर के लिए निकलना है, वरना भी बनाऊंगी नहीं ना तो ऐसे रह जाएंगे, बेकार हो जाएंगी ये। तो मैंने कहा थोड़ा मिक्स वेज ही बना लेती हूँ ये। सो फ्रेंड हमें कल निकलना है घर के लिए, क्योंकि आगे चेंज तो हुई नहीं, तो हम आज चेंज करेंगे। वो 11 बजे होती है तो फिर कल हम लोग निकलेंगे। तो फटाफट से मैं नाश्ता सा बना लेती हूँ फटाफट से यहाँ पर। को मेरे हस्बैंड ने मुँह हाथ धो दिया है अभी मॉर्निंग के, आई थिंक 9 ही बज रहा है अभी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। तो मैंने फटाफट से नहा धो लिया था, तो फटाफट से आप सब्जियाँ बनाते हैं खाना। सो फ्रेंड यहाँ पर को देखिए, मैंने सारी वेजिसे कट कर ली है और गोभी को मैंने गर्म पानी में डाल दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि आजकल ना सीजन नहीं है गोभियों का, तो गोभियाँ अच्छी नहीं आती हैं। सो यहाँ पर मैं फटाफट से अब सब्जी बना लेती हूँ। सो आजकल है ना फ्रेंड मैं ज़्यादातर हरी सब्जियां ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए हरी सब्जियां ज़्यादा अच्छी है। तो अभी तो थोड़ी मिक्स थोड़ी बहुत बची थी तो मैंने सब वही बना दिए। मैं ऑयल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, कम मसाले में खाना बना रही हूँ। और यहाँ पर को देखिए मेरा खाना हो चुका है रेडी। और सुबह सुबह ना फ्रेंड मेरे को ज़्यादा सब्जियाँ पसंद है नहीं, तो भी मैंने हस्बैंड को थोड़ा बहुत ही मट्ठा लेके आए वो, और यहाँ पर को मैंने दही मंगा ली थी अपने लिए। मैं तो मट्ठा नहीं पी रही, वो पियेंगे, मैंने अपने दही मंगा। दही हो ना फ्रेंड कुछ मतलब सब्जी के साथ खाने के ना, तो मुझे सब्जियाँ थोड़ी बहुत खाई जाती है, वरना बिना वैसे मुझे खाने पड़े तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर मट्ठा में टेस्ट कर रही थी तो मट्ठा ही बहुत अच्छा हो रहा था। हम लोग मूवी देख रहे थे तो उन्होंने खाना भी नहीं बनाया। सो मेरे हस्बैंड अब कह रहे हैं कि खाना रहने दो, टाइम भी हो गया 1:30 बज गए और हमें ज़्यादा भूख लग भी नहीं रही है। सो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पीना है नारियल पानी, तो कह रहे चलो आप भी चलो करके। तो हम लोग बुलेट में जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा दूर भी है, तो मैंने कहा चलो करके। तो अभी हम जा रहे हैं। सो फ्रेंड हम लोग ना थोड़ा बाहर अभी आए थे घूमने के लिए, तो ना कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, वरना तो अंदर ही अंदर ना मैं बोर हो जाती हूँ, पक जाती हूँ। एक तो हम लोग को थोड़े घूमने फिरने की आदत है, तो थोड़ा बाहर जाते रहो तो माइंड भी अपना ठीक ठाक रहता है। और इतनी गर्मी यहाँ होने लग गई ना पूछो मत। तो यहाँ पर देखिए मैं नारा पानी ज़्यादा मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर को देखिए यहाँ पर कोई बच्ची है वही कट कर रही थी मतलब। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से कट कर रही है वो। मैंने तो नहीं पिया क्योंकि मुझे नारा पानी ज़्यादा बिल्कुल पसंद है नहीं। सो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप ही पी लो, वो कहता आप पी लो, मैंने कहा नहीं, मैंने खाली थोड़ा टेस्ट किया पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पानी। हस्बैंड तो नारियल पानी पिया, मैंने नहीं पिया कि मुझे पसंद नहीं है। और ये हम लेके आए नारियल की मलाई, तो हस्बैंड ने वहाँ पर तो खाई नहीं। सो यहाँ पर हम घर में लेके आ रखे हैं, इसको मैं वॉश करके फ्रिज में रख दूँ, ठंडा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग खा लेंगे बाद में। यस खा लो आप, हो गया। सो फ्रेंड मैंने नारियल को धो दिया है, अब मैं इनको अंदर रख। सो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कद्दू कट कर लिया है, पर कद्दू मैंने सोचा था कि मैं चावल के साथ बनाऊंगी क्योंकि कद्दू ज़्यादा है, तो हस्बैंड ने कहा ये बना लो कि कट के रखा हुआ था, तो अभी के लिए सब्जी को ज़्यादा थी भी नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ। सो यहाँ पर मैं फटाफट से कद्दू की सब्जी है बना लूँगी, पर कद्दू ना फ्रेंड चावल के साथ ही है जो हमें अच्छे लगते हैं, तो जहाँ तक हम चावल के साथ ही खाते हैं, हम रोटी के साथ बहुत ही कम खाते हैं। पर अभी के सब्जी थी मतलब थोड़े बहुत मटर रखे थे, पर ना वो मटर बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कद्दू ही बना लो, मैंने कहा ठीक है। तो मैं सोचा कि रोटी बनाऊँगी, तो बाद में मैंने चावल ही बना दिए थे, तो कद्दू के चावल अच्छे लगते हैं, तो पहले नाइट में ज़्यादा चावल हम खाते नहीं है, पर मैंने चावल बना लिए थे तो हमने बस कद्दू के साथ वही खाया। तो यहाँ पर फटाफट से मैं सब्ज़ी बना ली थी, फिर इसके बाद चावल रखूँगी।
तो फ्रेंड यहाँ पर को देखिए मेरे हस्बैंड ने शेक बना दिया है जो नारियल बचा था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं दूध भी बचा था क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड दूध नहीं पी रहे हैं ना, क्योंकि पिला में शायद दूध भी नहीं पीते हैं तो और भी नहीं पी रहे हैं तो दूध ना फिर ऐसे रह जाता है, थोड़ी बहुत चाय बनाती हुई वैसे रह जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर देखिए मलाई दूध चीनी डाल के इसका शेक बना लिया है बिल्कुल ही, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा हम पी लेते हैं और थोड़ा हम आइसक्रीम जमाने रख देते हैं करके, मेरे हस्बैंड भी और देखो ने फिर थोड़ा रख दिया है, आइसक्रीम जम जाएगी बस तो अच्छा लगेगा, मैंने कहा ठीक है रख देखते हैं, और ये बहुत यमी हो रहा है। सो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का खाना भी बन चुका था और खाना ना बहुत ज़्यादा लेट खा रहे, 10 बज गया है, हम लोग को ना भूख ही लग रही थी, हमने शेक पी लिया था तो इस वजह से, तो अभी हम यहाँ पर खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड की आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है, सो क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा हाई कर दी थी मेरे हस्बैंड ने, तो यहाँ पर देखिए तो हम उसको निकाल ले घूम जा रहे हैं बट निकल नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड बड़ी ताकत लगा रहे थे, मैंने कहा आराम से करो 5-4 चम्मच इसी में मैं चम्मच निकल जाएगी बस हो गया करके, फिर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन बाद में निकल गई थी ये देखिए, और बहुत ही यम्मी लग रही थी, और फिर थोड़ा बहुत और कुछ भी होता ना तो मतलब अच्छा लगता है, बड़ी सिंपल सी थी पर फिर भी हमें अच्छी लग रही थी। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड, और गर्मी में ठंडा ठंडा खाओ तो अच्छा ही लगता है, सो बस यहाँ पर हम अपनी आइसक्रीम में इंजॉय कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।